नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा के मैथ की यूट्यूब श्रृंखला में हम स्क्वायर रूट पे डिस्कशन कर रहे हैं। दो लेक्चर हम दे चुके हैं स्क्वायर रूट पे कैसे आप दी गई संख्याओं के वर्गमूल को निकालेंगे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या दिया गया नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यदि नहीं है तो हम किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें जिससे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि दी गई संख्या यदि परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है तो बताइए कौन सी छोटी से छोटी संख्या इससे घटाई जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, या कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। दोस्तों, आज इन्हीं पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बार हम पुनः आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल के द्वारा मैथ सीख पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को YouTube पर इन्फो शिक्षा लिखकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, क्या 90 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यदि नहीं है तो इसमें हम किस छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें या स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन करें कि ये दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन हल करना है, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। दोस्तों, प्राइम फैक्टर चर्चा हम इसके पहले कर चुके हैं। अगर आपका कंफर्म नहीं है तो इन्फो शिक्षा चैनल पे जाके पहले पुराना लेक्चर आप देख लीजिए। इसका प्राइम फैक्टर क्या बन जाएगा, 2 × 3 × 3 × 5, ये इसका प्राइम फैक्टर बन गया। अब दोस्तों, करते क्या है, यहां पे किसका पेयर हो पा रहा है, 3 का पेयर बन पा रहा है। इसका मतलब अगर ये नंबर इस तरीके का होता 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, क्योंकि जो नंबर आपका पेयर में होगा इसका मतलब वही नंबर जब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये नंबर पेयर में होने के बाद ही जो रिजल्ट आता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर का होता है। ये हम इसके पहले स्क्वायर रूट में सीख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 का पेयर बन पा रहा है, 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है और 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो हम करेंगे क्या, हम 2 का पेयर बनाने के लिए क्या किया जाए, 1 2 यहाँ पे और लेना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही 5 का पेयर ये नहीं बन पा रहा है, क्या करना पड़ेगा, 1 इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा हमने क्या किया है, 1 जो है 2 लिया है और 1 मैंने 5 लिया है, इसका मतलब 2 × 5 किया जाए आ जाएगा कितना, 10। इसका मतलब ये हो गया कि यही 10 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। बड़े नंबर तो जो है बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर कौन सा होगा, ये 10 होगा, जिससे 90 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 90 क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। दोस्तों,
जो नियम मल्टीप्लिकेशन के लिए है सेम नियम वैसा ही डिवीजन के लिए है। अगर प्रश्न यहाँ ये पूछ दे कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से हम भाग करें कि दी गई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 5 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं कि यहाँ डिवीजन में क्या करेंगे, जिनका पेयर बन जाएगा वो नंबर तो रहेगा लेकिन जिनका पेयर नहीं बनेगा उनको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 2 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे इस 5 से अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ 1 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या बन गया, इसका भी आंसर 10 बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 90 में 10 से डिवीजन करते हैं तो 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, और अगर 90 में 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर 10 आ गया, जिससे हम चाहे गुणा करें और चाहे भाग करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे डिवीजन करें, 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल है 2352। इस नंबर में किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए या किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन किया जाए, एक ही साथ हम दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड है डिवीजन से भाग करते जाइए, फैक्टर क्या बन गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7 बन गया। कहने का तात्पर्य यह हो गया किसकी पेयरिंग हो पा रही है। पेयरिंग अगर देखा जाए तो कि यहां पेयरिंग हो गई, यहां पेयरिंग हो गई, यहां पेयरिंग हो गई, इसका मतलब 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाए क्या मल्टीप्लाई किया जाए इसमें, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि यहां क्लियर है 1 3 मिल रहा है, 1 3 का अगर इसमें और मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यही 3 जो है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा कि जिससे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यहां 3 का पेयर मैंने बनाने के लिए 1 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, और अगर ये पूछ दिया जाए कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन किया जाए तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज रिमूव करना है 3। इसका मतलब इस नंबर में कितने से डिवीजन कर दिया जाए, अगर 3 से डिवीजन कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये जो है 3 आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए और किस नंबर से डिवीजन किया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, जैसा कि इस बार के सीडीएस के क्वेश्चन में, सीएपीएफ के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लिकेशन किया जाए जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं, जब आपसे ये पूछ दिया जाए कि किस स्मॉलेस्ट नंबर को घटाया जाए जिससे दी गई संख्या
परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो जाए। उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से देखते हैं। 3985 ये नंबर है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर को हम इससे माइनस कर दें, घटा दें, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टर मेथड नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो पहले पेयरिंग कर लीजिए राइट हैंड साइड से, ये दो नंबर आ जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। यहां हम लेंगे 6 6 36 और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस करने के बाद, और यहाँ पे 6 जो है ऐड करना है, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 12। आप डबल डिजिट उतारिए कितना आ जाएगा, यहाँ हम कितना बढ़ाएं, 3 जो है बढ़ा के 3 से गुणा कीजिए, ये बन जाएगा 69 और ये 3। अब ये ऐड किया जाए 126 आ जाएगा, यहाँ कितना बनेगा, 6 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, और यहाँ इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, अतिरिक्त मिल रहा है। अगर यही 16 नंबर इसमें एक्स्ट्रा ना होता तो कहने का मतलब वो नंबर किसका स्क्वायर होता, 63 का। तो दोस्तों डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो यहाँ पे लास्ट में शेष आ जाए, रिमेनिंग नंबर आ जाए, वही नंबर क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा 16। अगर 16 हम माइनस करें तो दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, 87654 ये नंबर है। इसमें भी ये देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर माइनस किया जाए जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। यहां भी वही मेथड अप्लाई कीजिए, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहां कितना हो जाएगा, 2 2 4 और ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 4 और यहां 2 लिख के मल जोड़िए आ जाएगा 4। अब 2 डिजिट उतारना है तो कितना यहां लेंगे, 76 और यहां 9 बढ़ा के 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ जाएगा 4 4 1 और ये 9 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 58 और यहां कितना बन जाएगा, 5 और ये कितना बनेगा, 3 और ये कैंसिल, और डबल डिजिट यहां पूरा उतारिए 5 4 और यहां पे कितना किया जाए, 6 आप बढ़ा के 6 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए कि आपका बन जाएगा 3516। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अब आगे कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा और यहां कितना मिल जाएगा, यहां मिलेगा, इसका मतलब ये रिमेनिंग इतना आ गया। अगर इसी रिमेनिंग नंबर को इससे माइनस कर दिया जाए तो दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि किस स्मॉलेस्ट नंबर को हम माइनस करें। स्मॉलेस्ट इसलिए पूछा जा रहा है कि इससे बड़ा भी नंबर और हो सकता है जिसको हम इससे माइनस करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा जाएगा। आगे देखते हैं कि अगर आपको जो है ये पूछ लिया जाए कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें ऐड किया जाए जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, उसके लिए भी हम देखते हैं एक एग्जांपल 8765 है। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट ऐड किया जाए जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, यहां भी हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट
फाइंड करेंगे कि ये कितना आ जाएगा 81 और यहां बन जाएगा 6 और ये कितना बन जाएगा 18 और ये कितना आएगा यहां 6 5 डबल डिजिट उतारने के बाद अब ये कितना बनेगा 3 यहां कीजिए और 3 से गुणा कीजिए तो कितना बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 5। अब ये कितना आएगा यहां 6 यहां 1 और यहां आपका 1। तो दोस्तों यहां अगर हम 4 कहते तो ज्यादा हो जाता, इसका मतलब 93 आ गया ये नंबर। अब ऐड करने की बात कर रहा है, इसका मतलब अब आप यहां से लगाइए कि इसका स्क्वायर रूट इस नंबर का 93 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसका मतलब 93 के आगे का जो नंबर होगा वो 94 नंबर होगा, कंप्लीट नंबर। अब इसका आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लीजिए कितना आएगा 94 का स्क्वायर। स्क्वायर का लेक्चर इंफो शिक्षा चैनल पे हमने डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए कि 100 से कितना कम है, 6 कम है, इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब 6 का डबल करके 100 से माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 88। ये 94 का स्क्वायर आ गया और ये आपका जो है 93 पॉइंट समथिंग क्या बन रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे ये अनुमान लगाना है कि कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा। तो 93 पॉइंट समथिंग जब बन रहा है हमने क्या लिया 94, इसका स्क्वायर कर दिया गया तो 8836 आ गया। अब इसमें से क्या किया जाएगा 8765 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1 और यहां कितना बन जाएगा 7 और ये कैसे। इसका मतलब 94 का स्क्वायर 8836 है और ये 8765 है, इसको माइनस करने के बाद 71 आया। इसका मतलब यही 71 स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसको इसमें ऐड किया जाए तो दी गई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। 2786 ये नंबर है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें ऐड किया जाए। देखिए यहां भी कितना आ जाएगा 2, 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10 और 86 है यहां कर दीजिए और यहां कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा 2 और 8। इसका मतलब 52 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 53 होगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए कि कितना बन जाएगा 09 28 09 53 का स्क्वायर। अब इसमें से 2786 माइनस कीजिए तो आ गया 3 और यहां क्या बन जाएगा यहां 2 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या बन गया 23। स्मॉलेस्ट नंबर 23 है जिसको हम ऐड करें तो दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने स्क्वायर रूट से संबंधित तीन लेक्चर में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया है, कुछ पॉइंट्स जो बचे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।